सत श्री अकाल। स्पीड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। चंडीगढ़ च श्रोमणी अकाली दल यूथ के आगू पंजाब संबंधी मुद्दों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अकाली कारकुनां वालों चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री भगवंत मान की रिहायश का घिराव करने की तैयारी की गई, जिन्होंने पुलिस वालों बैरीकेड लगा के रोकया गया। इस तो इलावा अकालिया वालों पंजाब कांग्रेस भवन सामने भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अकाली दल के प्रदर्शन की सूचना से चंडीगढ़ पुलिस वालों पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस अकाली आगुआ के कारकुनां की हर हरकत से पूरी तरह नजर रख रही है। पंजाब भाजपा का वफद सूबा प्रधान सुनील जाखड़ की अगुवाई में गवर्नर को मिले। गवर्नर अगे भाजपा ने हड़ां नाल संबंधित मुद्दे चुके ने। जाखड़ ने कहा कि सरकार की लापरवाही करके पंजाब च तबाही हुई। उन्होंने गवर्नर को अपील की कि सरकार की जवाबदेही की जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब के पिंडां च हड़ां कारण भयानक बीमारियां फैलियां। उन्होंने दोष लाया कि सूबे में महामारी फैलन तो रोकने लई सूबा सरकार ने हुण तक कोई कदम नहीं चुकिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त किसानों के खातों में पा दी गई है। देश भर के 9 करोड़ तो वध किसानों के खातों में 2000 रुपए की किश्त पाई गई। किसानों को कुल 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस नाल ही पीएम ने किसान समृद्धि केंद्रों की भी शुरुआत की। दस दिए कि इस योजना के तहत छोटे से सीमांत किसानों को एक साल में 2000 रुपए दिए हैं। किश्तों के कुल 6000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में अहम भूमिका निभाने वाले ते कैप्टन के नजदीकियों में शामिल भारतेंद्र सिंह चहल को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। भारतेंद्र चहल खिलाफ कमाई तो ज्यादा जायदाद के मामले की विजिलेंस जांच कर रही है। चहल ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने गिरफ्तारी तो पहले उन्होंने नोटिस सर्वे किए जाने की मांग की, जिसको कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने विजिलेंस को हुक्म दिए ने कि चहल खिलाफ FIR दर्ज करने तो बाद तुरंत उसकी कापी पटिशनर को दी जाए। तलवाड़ा के पोंग डैम च पानी हले भी खतरे के निशान तो 13.6 फुट हेठा। बुधवार BBMB प्रशासन वालों 44,736 क्यूसिक पानी छड़े जाने किसानों की झोने की फसल तबाह होकर रह गई है। इलाके के लोगों लिए खाण पीन के पशुओं लिए चारे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। हले तक इलाके की कोई भी समाज सेवी संस्था और पंजाब की हिमाचल सरकार ब्यास दरिया किनारे बसे लोगों की इस मुश्किल की घड़ी में सहायता करती विखाई नहीं दी। एक कहानी किसी फिल्म की कहानी तो घट नहीं है, जिथे 35 साल के लंबे विछोड़े बाद मां पुत मिलते हैं। जब पुत हाड़ पीड़ित लोगों की सेवा करन जाता तो खालसा एड वालों अपने नानके घर तो 10 किलोमीटर की दूरी से हुंदा है। पुत अपना नानका घर लभना शुरू हो जाता है। अखीर में अपनी मंजिल से पहुंचता है। मां की हालात देख के पुत भावुक हो जाता है, पर अज मां पुत के मिलाप ने हरेक की अख पानी के नाल भर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधार कार्ड नाल छेड़छाड़ करने के दोष से गुजरात पुलिस की टीम ने उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर के सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार मुताबिक दोषी अर्पण दुबे को जिले के सादातपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि वैबसाइट से आधार कार्ड नाल छेड़छाड़ करने की इस वालों कोशिश की गई। गनौर के पिंड कसौली चंदौली नेड़े यमुना चो लंघदी पानीपत रिफाइनरी की तर कुदरती गैस पाइपलाइन तड़के 4 बजे के करीब जोरदार धमाके नाल फट गई है। गैस के ज्यादा दबाव कारण यमुना के पानी च करीब 40 तो 50 फुट उछाल आने लगे। पिंड वासियों ने डायल 112 से भी सूचना दी है। यमुना में पानी के तेज वहाव कारण लीकेज ठीक न किए जा सकन कारण अधिकारियों ने गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित तो उन्होंने सारे नावों जनतक करने की मांग की, जिन्हों खिलाफ उन्होंने शिकायत मिल रही हैं। ऐसे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक ट्वीट किया है कि जिस उन्होंने ट्वीट करते लिखे है कि पंजाब राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी निम्रता सहित बेनती है कि कृपा करके उन्होंने सारे नावों जनतक करो जिन्हों विरुद्ध उन्होंने शिकायत मिल रही हैं। पंजाब के डीसी दफ्तरों को लेकर तहसीलों तक मुलाजमान की हड़ताल आज खत्म हो गई है। मुलाजमान ने अपनी हड़ताल वापस ली। आज तो सारे दफ्तरों में कामकाज सुचारू ढंग शुरू हो जाएगा। रोपड़ के विधायक दिनेश चड्डा के वीडियो संदेश तो बाद मुलाजमान वालों हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। दिनेश चड्डा ने संदेश अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल किया, जिन्हें कहा कि उन्होंने मकसद किसी दी भावनावां या सन्मान को ठेस पहुंचाना नहीं। विधायक के वीडियो संदेश तो बाद मुलाजम आगुआ ने कहा कि उन्होंने हुण कोई विवाद नहीं है। सतलुज दरिया के हड़ के पानी में वह के पाकिस्तान पहुंचे भारतीय नागरिक को खुफिया एजेंसी के हवाले किया गया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के अधिकारियों ने जानकारी दी है। रेस्क्यू 1122 के बुलारे ने दसिया कि एक 50 साल का भारतीय नागरिक सुनने तो असमर्थ है। इशारे राही गलबात करता है। उसने कहा कि वह हिंदू है। हड़ का पानी उसने वहा के इथे लिया जो कि सतलुज के हड़ के पानी में रुट जाने तो बाद पाकिस्तान पहुंच गया। मेडिकल जांच मगरों भारतीय नागरिक को जांच लिए खुफिया एजेंसी के हवाले कर दिया गया। भारत तो पाकिस्तान गई अंजू ने इस्लाम धर्म अपना लिया। पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्ला नाल ब्याह करवा लिया। अंजू ने अपना नाम बदल के फातिमा रख लिया। अंजू ते नसरुल्ला दे वेडिंग शूट दे वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रहे हैं। भारत छड़ के अंजू ने धर्म बदल के अपने पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्ला दे नाल ब्याह करवा लिया। अंजू ने हुण अपना नाम भी फातिमा रखा। धी दे इस कदम से पिता का दर्द छलके अंजू के पिता ने कहा कि हुण उस नाल उन्हां दा कोई रिश्ता नहीं है ते उन्हां लई मर चुकी है।
पंजाब के सारे जिलों में मीह पैण की संभावना है। मौसम विभाग की अलर्ट तो बाद माझे के अमृतसर गुरदासपुर के पठानकोट में गर्ज नाल मीह पै रहा। पंजाब च बारिश शाम वांग होने की उम्मीद है, पर हिमाचल च बारिश तो बाद एक बार फिर दरियावां च पानी वधन के आसार ने। इस नाल ही फाजिलका के 22 पिंड अजे भी हड़ की लपेट च ने। इत्थे कच्चे घरां का भी हड़ कारण सब तो वध नुकसान होया। पंजाब के लुधियाना जिले के फिरोजपुर रोड से एक तेज रफ्तार बस ने एक्टिवा सवार बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर होते ही बुजुर्ग सड़क से डिग गया। बस चालक ने ब्रेक नहीं लगाई, जिस कारण वह बुजुर्ग व्यक्ति को एक्टिवा समेत करीब 15 फुट तक घसीटता हुआ मुख सड़क से लै गया। मृतक की पछाण 71 साल चरणजीत सिंह वजो हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल स्पीड न्यूज में बस इना ही। मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।